हमारे यहाँ 10 साल से जो वर्तमान में विधायक हैं, मंत्री रहे 5 साल, उन्होंने विकास का कोई भी काम को आगे नहीं बढ़ाया। 24 साल के झारखंड में पहला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं जिन्होंने हर घर को लाभ दिया। जैसा बिजली बिल माफ़ किया उन्होंने, 200 यूनिट बिजली उन्होंने फ्री किया और हर परिवार की जो महिलाएं हैं सभी को उन्होंने लाभ पहुंचाया। उनके खाते में 1,000 रुपया प्रति माह आ रहा है। जिन्होंने काम नहीं किया, लोगों को छला है, ठगा है, उसको आज के समय में लोग रिजेक्ट करने जा रहे हैं। लेकिन कोई काम ही नहीं चंदन का, रोड नहीं बन रहा है, पुल पुलिया नहीं बन रहा है। नमस्कार, जीएन भारत देख रहे हैं और जीएन भारत देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त जो हम मौजूद है ये चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र है। ये चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र की जो स्थिति है हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र जो है ये कार्यालय है। ये कार्यालय में जो है अब दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर लोग आए हुए हैं और ये जो लोग आए हैं और ये जो कार्यालय है ये उमाकांत रजक की है जो कि चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी है। वे जो है यहाँ के जो वर्तमान जो विधायक है भाजपा के, वो अमर कुमार बावरी को सीधी चुनौती देखते हुए दिख रहे हैं। हालांकि जिस तरह से हम बताएं कि चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र में दो प्रत्याशियों के बीच जो है कड़ी टक्कर देखी जा रही है, तो उनमें से अमर कुमार बावरी और उमाकांत रजक की जो है वो टक्कर देखी जा रही है। तो वहीं उमाकांत रजक ने भी मीडिया से बात करते हुए जीत का बड़ा दावा किया है और उन्होंने जिस तरह से क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए हैं वो विकास कार्यों पे उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि इन 5 सालों में अभी तक कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। तो आपको सुनाते हैं कि उमाकांत रजक क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये चंदन क्यारी के जो स्थानीय मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दे को लेकर मैं जनता के बीच जा रहा हूँ। हमारे यहाँ चंदन क्यारी में सर्विस सेटलमेंट का गंभीर समस्या है। हमारे यहाँ 10 साल से जो वर्तमान में विधायक हैं, मंत्री रहे 5 साल, उन्होंने विकास का कोई भी काम को आगे नहीं बढ़ाया। हमारे यहाँ ब्लॉक में घुसखोरी चरम सीमा पर है। इन मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच गया हूँ और जनता के जो आज तक नहीं हो पाया उसके लिए जनता से हम अपील कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को हम पहल करेंगे। घुसखोरी बंद करेंगे, सर्विस सेटलमेंट के मुद्दे को हम निराकरण करेंगे और विकास के कामों को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जनता ने काफ़ी सराहा है, सने और प्यार जनता का हमें मिल रहा है। इंडिया गठबंधन कहा जाता है कि गाँवों में काफ़ी मजबूत है, तो कितना इस बार लोगों का आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है, क्योंकि लगातार आप लोगों के बीच में जाते रहे हैं, जुड़ते रहे हैं। मैं 2009 में चुनाव जीता और 5 महीने के लिए मंत्री भी बना था और 2009 से 14 के बीच चंदन क्यारी में हमने सर्वांगीण विकास का काम किया है। जहाँ रोड नहीं था रोड हमने बनवाया, जहाँ पुल पुलिया नहीं था हमने पुल पुलिया बनवाया। हमारे यहाँ तकनीकी शिक्षा का कोई संस्थान नहीं था, वहाँ मैं यहाँ एक ITI बनवाया। यहाँ गेस्ट हाउस मैंने 2-2 बनवाया, चेक डैम बनवाया किसान के सिंचाई के लिए। तो 500 करोड़ रुपया का करीबन हमने यहाँ पर विकास के कामों को चंदन क्यारी में कराने का काम किया है और उन्हीं कामों को आज चंदन क्यारी के लोगों ने पसंद किया है। क्योंकि ये 10 साल के शासनकाल में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं किसी तरह का कोई काम नहीं किया। ये झारखंड विकास मोर्चा से चुनाव जीता और 1 सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। तो चंदन क्यारी जनता को इसने चलने का काम किया, धोखा दिया और चंदन की जनता आज ये बात समझ रही है। और 5 साल राजस्व मंत्री रहा, हमारा सर्वे सेटलमेंट के समस्या को निराकरण कर सकता था लेकिन नहीं किया। ठीक 19 के चुनाव के 3 महीना पहले इन्होंने कहा जनता के बीच में कि IIT रुड़की से आएगा, सेटेलाइट से सर्वे करेगा। जनता सीधी साधी जनता ने पसंद किया कि भाई मंत्री बोल रहा है मेरा काम हो जाएगा। फिर दोबारा 19 में इनको वोट देकर जिताने का काम किया, लेकिन 19 से 24 के बीच एक भी काम या 14 से 19 के बीच कोई विकास का काम नहीं हुआ।
इस बार अपने जीत को लेकर के कितना आश्वस्त है? हमारी जीत चंदनकारी की जनता की जीत होगी और ये चुनाव चंदनकारी की जनता लड़ रही है, अपने विकास के लिए लड़ रही है, अपने परेशानियों को दूर करने के लिए लड़ रही है। रजक जी, आप कितना आश्वस्त हैं? मैं तो चंद्र के देव से जनता के भरोसे हूँ। लगता है कि इस बार आशीर्वाद मिलेगा? चंदनकारी की जनता का पूरा पूरा आशीर्वाद है। चुनाव के पहले मैया सम्मान योजना आता है जिसका खासा प्रभाव दिखता भी है। ऋण माफी हुई किसानों के लिए, बिजली के जो बकाया बिल थे उसको भी सरकार ने माफ किया है, तो इसका लाभ मिल रहा है इस चुनाव में? देखिए, 24 साल के झारखंड में पहला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं जिन्होंने हर घर को लाभ दिया, जैसा बिजली बिल माफ किया उन्होंने, 200 यूनिट बिजली उन्होंने फ्री किया, कृषि लोन जिन्होंने लिया था, केसीसी लोन जिसे कहते हैं, वो लोन को माफ किया, और हर परिवार की जो महिलाएं हैं सभी को उन्होंने लाभ पहुंचाया, उनके खाते में 1000 रुपया प्रति माह आ रहा है, अभी चौथा महीना उनका घुस गया है। और हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री कैबिनेट में उन्होंने पास किया कि भाई हम जीत के फिर दोबारा सत्ता में आएंगे तो 2500 रुपया मैं इन महिलाओं के लिए आर्थिक तौर पर मदद करूंगा और उनके खाते में जाएगा, इसलिए इन सारे विषयों को पसंद लोग कर रहे हैं। चंदन कैरी में एक समावेश हुआ है कि 2009 और 24 के बीच हमने जो विकास के काम किए थे लोगों ने पसंद किया, और हेमंत सोरेन जी ने हर घर में जो लोगों को राहत पहुँचाया ये पसंद किया, इसलिए जिन्होंने काम नहीं किया, लोगों को छला है, ठगा है, उसको आज के समय में लोग रिजेक्ट करने जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष इस बार रिजेक्ट होने वाले हैं? जनता रिजेक्ट कर रही है। तैयारी पूरी है कि नहीं? मेरी तैयारी मेरी जनता कर रही है। देखिए, 2014 से 24 के बीच विकास बाधित होने से हमारा जो लोग बेरोजगार हो गए और चंदन क्यारी का जुआ 40 से 50 हज़ार पलायन करके अन्य राज्यों में जाकर काम कर रहे हैं। अगर यहाँ विकास होता तो हमको लगता है उन युवाओं को बाहर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं रोजगार का उसको अवसर मिलता, लेकिन कोई काम ही नहीं चंदन कैरी में। रोड नहीं बन रहा है, पुल पुलिया नहीं बन रहा है, किसी तरह का विकास का जो कहीं कोई अच्छा स्कूल नहीं बन रहा, कहीं अच्छा कॉलेज नहीं बन रहा है, कहीं अच्छा स्वास्थ्य केंद्र नहीं बन रहा। रजक जी को अगर यहाँ की जनता सदन में भेजती है तो उनके लिए कर पाएंगे वो सारे वादे जो इन्होंने चुनाव के पहले किए अपने क्षेत्र की जनता से? मैंने करके दिखाया है और मैंने किया है, इसलिए जनता हमको भरोसा कर रही है कि उमा का दर्जा ही चंदन क्यारी के विकास को आगे बढ़ा सकती है, चंदन क्यारी के सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को मजबूती दे सकता है। तो जीएन भारत की जो चुनावी यात्रा है ये हम दिखा रहे थे चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र से, जहाँ पर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी उमाकांत रजक ताल ठोक रहे हैं और जीत का बड़ा दावा कर रहे हैं। अब तो देखने वाली बात हुई कि चुनाव जो है 20 तारीख को होगा और 23 को परिणाम आएगा, ये 23 का परिणाम किसके पलड़े में जाता है वो तो देखने वाली बात होगी। जीएन भारत के लिए मैं मोहन कुमार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।